ईडी की प्रोसीडिंग ऐसी है कि जनता के बीच में जाता नहीं। एक अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, लाखों करोड़ों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। देखिए इतने दिनों से है अंदर, जमानत नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार किया है, निकलिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। क्या जरूरत है बढ़िया अस्पताल बनाने की? क्या जरूरत है बच्चों को शिक्षा देने की? क्या जरूरत है महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने की? क्या जरूरत है देश में लोगों को मुफ्त बिजली देने की? क्या जरूरत है बेरोजगारी मिटाने की? चलिए चलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के घर पे चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, अडानी बन जाते हैं, चलिए मंतो विश्व शर्मा बन जाते हैं। हाँ बोलो क्या करना है? हाँ अभी और जांच करना है, फिर डेट मिल जाएगी। डेट पे डेट। नरेंद्र मोदी जी के मन में हार बैठ चुका है और हार हो चुके हैं। वो तो ईडी और सीबीआई के दम पर सरकार चला रहे हैं। जो छवि खराब करने वाली है सरकार चल रही है, पकड़ो और छवि खराब कर दो। डरा करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शामिल कर, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, डरा करके शामिल करा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं नवजीवन और मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता अनुप पांडे जी। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि कभी भी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। और संजय सिंह तो कह रहे हैं कि भाई उनको भी गिरफ्तार करने की योजना चल रही है, आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि सीबीआई ने समन भेज दिया है अरविंद केजरीवाल को। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या डिग्री मांगना मोदी जी का भारी पड़ गया या वाकई में घोटाला किया गया है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का जी का आ रहा है। पांडे जी क्या कहेंगे, क्या गिरफ्तारी होने की तैयारी है केजरीवाल जी? देखिए ऐसा है कि पूरे देश के अंदर एक रोष व्याप्त है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ। बेरोजगारी का है, काम नहीं मिल रहा है लोगों का, महंगाई का है, पूरे देश में रोष व्याप्त है। और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष को इतना मैला कर दो, इतना धुंधला कर दो, और जो सबसे विपक्ष में जो सबसे मजबूत, जो सबसे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी को बदनाम कर दो। पूरा देश ये बात, ईमानदार है तो डर क्या लगता है? कोई डर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, सरकार से डरने वाले नहीं है। अरे ये सरकार तो ब्रिटानिया हुकूमत जैसी सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। सीबीआई ईडी को पीएमओ से कंट्रोल हो रहा है, किसको पकड़ना है, किसको भेजना है, किसको अंदर करना है, किसको जेल में डालना है, कौन सी पार्टी के कौन से नेता अच्छा जा रहा है, उसकी छवि खराब करना है। जो छवि खराब करने वाली ये सरकार चल रही है, पकड़ो और छवि खराब कर दो, पकड़ो और गर्दन मरोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार भरे हुए हैं। नहीं तो घोटाले के शर्मा, हेमंत विश्व शर्मा देश का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री आज मजे ले रहे हैं। अरे मैं तो अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा, मैं संजय भाई से भी प्रार्थना करूंगा कि चलिए उठिए, निकलिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। क्या जरूरत है बढ़िया अस्पताल बनाने की? क्या जरूरत है बच्चों को शिक्षा देने की? क्या जरूरत है महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने की? क्या जरूरत है देश में लोगों को मुफ्त बिजली देने की? क्या जरूरत है बेरोजगारी मिटाने की? चलिए चलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के घर पे चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, चलते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, अडानी बन जाते हैं, चलिए मंतो विश्व शर्मा बन जाते हैं, चलिए चलते हैं विधायक खरीदते हैं दूसरे दलों का, चलते हैं भ्रष्टाचार करो बीजेपी में। बिल्कुल भ्रष्टाचार करने वाले ही बीजेपी में है, उनको ईडी सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन जो वास्तव में जनता के लिए काम करेंगे उनको सब लोग परेशान करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की यही नीति चल रही है और इस नीति का परसेप्शन जनता के बीच में जा रहा है कि विपक्ष को जेल में डालो, बदनाम। भ्रष्टाचार किया जब भी तो जेल में जा रहे हैं। अच्छा। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी का याद एक भाषण मोदी जी ने कहा था, चार चार कैमरे लगे हुए, कोई नहीं बच। क्यों नहीं जेपीसी कमेटी का गठन कर दे रहे हैं अडानी के सवाल पर? वो ललित मोदी कहाँ गया जो भ्रष्टाचार करके उनके मुख्यमंत्री जो थी वसुंधरा राजे ने भगा दिया, भ्रष्टाचार कर रहा था उनके नाक के नीचे, नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार करने वाले लोग जो दूसरे दलों से भ्रष्टाचारी डर के मारे इनके दल में जा रहे हैं। अरे वही मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, डरा करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शामिल कर, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, डरा करके शामिल कराए, डरा करके पूरी पार्टी तोड़ करके। ये विधायक खरीदने वाली पार्टी है, ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली पार्टी है, आज केजरीवाल जी के पीछे पड़े हैं। मनीष सिसोदिया जी अच्छा काम कर रहे थे, उनके पीछे पड़े, उनको जेल में डाल दिए। ईडी की प्रोसीडिंग ऐसी है कि जनता के बीच में जाता नहीं है, कोर्ट में ईडी खड़ी हो जाती है, बोलती कि जांच करना है, जांच करना है, जांच करना है, डेट पे डेट लगता है और नेता हमारे जेल के अंदर चले जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, देखिए इतने दिनों से है अंदर, जमानत नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार किया है। अरे ईडी की प्रोसीडिंग जनता के बीच में जाता ही नहीं, हम लोग तो ईडी की प्रोसीडिंग, ईडी का अधिकारी आके बोल देगा कोर्ट में, साहब अभी जांच करनी है, ठीक है डेट मिल जाएगी, दूसरा डेट पड़ेगी, अभी और जांच करनी है, फिर डेट मिल जाएगी।
हाँ बोलो क्या करना है, हाँ अभी और जांच करना है, फिर डेट मिल जाएगी। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, ईडी के अधिकारी देते रहते हैं, पीएमओ से निर्देश है। बीजेपी ज्वाइन करेंगे? अरे नहीं ज्वाइन नहीं, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं कि विपक्ष रहे और भ्रष्टाचारियों से साठ गांठ करके वो जगह जगह सरकार बनाएंगे, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे और उनके घर ईडी नहीं पहुंचेगी, और जो ईमानदार लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके घर ईडी पहुंचेगी, सीबीआई पहुंचेगी और लोगों को बुला करके जलील और बेइज्जत और फंसाया जाएगा, तो क्या किया जाएगा? ये देश में लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, क्या करना है प्रधानमंत्री? थोड़ी खत्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म। अरे भ्रष्टाचार कहाँ खत्म कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के नाम पर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और इनको इसका अत्याचार पूरे देश के जनता के बीच में एक मैसेज चला गया। बताइए सीबीआई की नोटिस, अरे केजरीवाल जी के दफ्तर में कई बार सीबीआई की जांच हुई, सुंगलू कमेटी के विषय में जानते हैं, कर नहीं सकती क्या? फाइलों की जांच जी कर नहीं सकती क्या सीबीआई? अरे करे, कुछ मिलना भी तो चाहिए, जांच करेगी जब तो मिलेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता की जांच करा लो किसी एक नेता की जांच, पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। करा लो पीएमओ की जांच, पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। जांच तो कोई नहीं कर सकता, वो तो क्लियर हो चुका है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल हरिश्चंद्र जी के परिवार से आते हैं, इनको तो कहीं नजर खोट नजर नहीं आता, इनको तो खोट नजर उसमें आता है जो जनता के लिए काम करता है। केजरीवाल को कैसे पकड़े, केजरीवाल को कैसे फंसाए, केजरीवाल की सरकार को कैसे बदनाम करे, केजरीवाल कहाँ से आ गया, केजरीवाल सिर दर्द पैदा कर दिया, इसलिए कि जनता के लिए काम करता है। डर क्या लग रहा है केजरीवाल से? जहाँ नीतीश कुमार की और केजरीवाल की मीटिंग हुई अगले दिन समन भेज दिया। अरे भाई बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष को बदनाम करो और जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जाते हैं और भाषण करते हैं। सबसे भ्रष्ट सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है और सबसे भ्रष्टाचारी इनके सब अधिकारी बैठे हैं और सब जगह जगह जो अधिकारी और ये जो कर्मचारी अपने बिठा रखे हैं, ईडी और सीबीआई पीएमओ को निर्देश करती, पीएमओ निर्देश करता है वैसा वो काम करती है और ये काम ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। घमंड नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, अनाचार नहीं करना चाहिए, कम से कम नरेंद्र मोदी जी को इतना जरूर करना चाहिए, केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं, प्रशंसा करनी चाहिए, प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, लेकिन प्रतिद्वंदिता में घृणा भाव नहीं भरा होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी घृणा से भरे हुए हैं और ये इनको इतनी जलन है केजरीवाल जी से, इतनी जलन है कि मत पूछिए जिसका नतीजा आपके साथ। समाजवादी पार्टी ने कहा था राष्ट्रीय पार्टी बनते ही कि अब केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, उसी का बयान का तो सर नहीं दिख रहा कि ऐसा बयान दे दिया इसलिए? प्रधानमंत्री जनता बनाती है और जनता बिठाती है, दिल्ली की जनता का जो प्यार है ना अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आपके सामने है, तीन तीन बार मुख्यमंत्री बनाया। एक पार्टी, कुछ लोग एक ठानते हैं कि हम अंबेडकर जी और भगत सिंह का सपना पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से ये देश उब चुका था और हम लोगों ने शानदार काम दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में दिखाया, गुजरात में दिखाया, गोवा में दिखाया, हमारे प्रतिनिधि आए बन करके वहाँ, हम पूरे देश में एक अच्छा काम करना चाहते हैं, एक शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं, चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहते हैं, जनता के दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को अच्छा नहीं लग रहा और निश्चित रूप से जनता हमारे साथ खड़ी है, हम लोग संघर्ष करेंगे और प्रधानमंत्री जी के इस कुचक्र से बाहर निकलेंगे और एक लोकतंत्र की लड़ाई ये सदियों से चलती आ रही है, चलती रहेगी। राहुल गांधी पे जब कार्रवाई की गई थी, संसदीय गई थी, तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत समर्थन किया था राहुल गांधी का, गलत हो रहा है, तो क्या लग रहा है अब विपक्षी पार्टियों को राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए फेवर में केजरीवाल? अच्छा नेता वही होता है जो सच को सच, गलत को गलत साबित करे, सच को सच कहने वाला ही इस देश का अच्छा नेता होता है। केजरीवाल जी ने जब अन्याय हुआ राहुल गांधी के खिलाफ तो बोला, अन्याय जहां भी होगा, अगर भाजपा के भी किसी नेता पर अन्याय होगा तो भी केजरीवाल जी बोलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का यही मायने है, सबके साथ न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जो ब्रितानिया हुकूमत है, ब्रिटिशर जैसी जो सरकार चला रहे हैं, जिसको जेल में डाल दो, जिसको बाहर कर दो, भ्रष्टाचारियों को मलाई खिलाओ, ईमानदार लोगों को, कट्टर ईमानदार लोगों को प्रताड़ित करो, यही इनकी सरकार की नीति है। सीबीआई ईडी लगा के बदनाम करो, इसका डर दिख रहा है नीत प्रसाद जी, 24 में हार का डर दिख रहा है? किसको हार का डर दिख रहा है? मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी तो हार, देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, नरेंद्र मोदी जी के मन में हार बैठ चुका है और हार हो चुके हैं, वो तो ईडी और सीबीआई के दम पर सरकार चला रहे हैं। आप देख लो ना, गोवा देख लो, सरकार उनकी बनी थी नहीं, सरकार बना लिया। मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी नहीं, सरकार बना लिया। कर्नाटक में सरकार बनी थी नहीं, बना लिया।
महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, नहीं बना लिया। असम में हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचार में फंसा था, उसको पकड़ लिया, वहां सरकार बना लिया, करोड़ों रुपया लेके नॉर्थ ईस्ट में बांट दिया। तो भाई सवाल ये उठता है कि सरकार बनती नहीं है, बनाई जाती है। ये भाजपा सरकार का ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल का मतलब लोकतंत्र के सारे खंभों को तोड़ दो और किसी तरह से सरकार बना लो। सारे घोटालेबाज बैंक से पैसा लेके भाग चुके बाहर, इस पर कहीं कोई एक शब्द सरकार के लोग बोलने वाले नहीं। लेकिन यहां अगर जनता के लिए कोई काम कर रहा है उसको प्रताड़ित करके जेल भेजो, विधायक खरीद लो, वाली ये सरकार चले। आखिरी सवाल है आपसे, संजय सिंह और केजरीवाल जेल चले जाते तो क्या माना जाए, खत्म है आम आदमी पार्टी, कोई नेता नहीं बचा? ऐसा है कि आजादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन वो जुनून खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र के सिपाही हमेशा खड़े रहेंगे। किसी को जेल जाने से न कोई पार्टी खड़ी होती खत्म होती है, न कोई विचार खत्म होता है। एक अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, लाखों करोड़ों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पैदा। एक सवाल इस पर मुझे याद आ गया, एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल ने जब ये पार्टी बनाने से पहले आंदोलन शुरू किया था, एक आवाज लगाई थी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, पूरी दिल्ली सड़कों पर आ गई थी, क्या दोबारा दिल्ली सड़कों पर आएगी केजरीवाल? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। और ये जनता जब जब अन्याय होता है, जनता जुल्म सहती नहीं है, जनता आती है सड़क पर और जुल्मी के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जुल्मी सरकार है, इस जुल्म के खिलाफ हम लोग जंग लड़ेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से सवाल ये उठना शुरू हो गया, क्योंकि खुद उन्होंने कई इंटरव्यू में बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं, और काम जो भी मोदी जी के ऐसे ऐसे हो रहे हैं, जैसे नोटबंदी, हम नोटबंदी में क्या मिला, क्या भारत ने खोया, क्या पाया, आपके सामने है। नोटबंदी उन्होंने किया जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, उहापोह की स्थिति मच गई, सारे दो नंबर वाले जो लोग हैं वो एक नंबर करने लगे, समझ रहे हैं, इधर से उधर पैसा जाने लगा। तमाम जो गरीब लोग हैं, घर की महिलाएं, बुजुर्ग लोग, वो छटपटाने लगे, कितने लोगों की जान चली गई। मोदी जी ने नोटबंदी करने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए, इससे आतंकवाद नष्ट हो जाएगा, इससे काला धन खत्म हो जाएगा, इससे काले धन वाले पकड़े जाएंगे, और बहुत इसमें दो नंबर की नोट चल रही है, जबकि कुछ नहीं हुआ, आपके सामने है। इसके बाद जीएसटी लाए, जीएसटी में 42-43 बार संशोधन करके छोटे व्यापारियों का, बड़े व्यापारियों को मतलब चौपट कर दिए, हजारों लाखों लोगों की नौकरी चली गई, नोटबंदी से बहुत बड़ा भयानक बेरोजगारी फैल गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी कई कानून लाए, जैसे कृषि बिल लाए, कृषि बिल लाए फिर वापस किए, फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाया, उस कमेटी का आज तक क्या हुआ कुछ पता नहीं, और बिल वापस हो गया, अब कमेटी क्या कर रही है कहीं देश को कुछ पता नहीं। इस तरीके के जो उनके निर्णय हैं, और मंच से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किए थे, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ दे पाए, किसानों की आमदनी 2 गुनी करने की बात किए थे, महंगाई 100 दिन में कम करने की बात किए थे कि महंगाई को हम 100 दिन में कम कर देंगे, महंगाई 100 दिन में कम तो नहीं हुई लेकिन 40 गुना बढ़ गई। एक आदमी सुबह से शाम तक टैक्स देता है, जब से उठता है तब से, चाहे बेरोजगार हो, चाहे रोजगार वाला हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे कोई हो, भारत का हर नागरिक सुबह से शाम तक टैक्स देता है, बोले वन नेशन वन टैक्स। जबकि जमीन खरीदिए तो उस पर टैक्स दीजिए, जमीन बेचिए उस पर टैक्स दीजिए, स्टाम्प ड्यूटी अलग दीजिए, इसके बाद GST अलग दीजिए, इसके बाद उससे आपकी इनकम हो उस पर इनकम टैक्स दीजिए। तो इस तरह की व्यवस्था इनके राज में चल रही है। छोटे छोटे व्यापारी आज डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कितने लोगों का चौपट हो गया। और उल्टा जो इनके मित्र हैं जो बैंकों से पैसा ले लेकर के भाग गए बाहर, लाइन से नाम है, जो करोड़ों रुपया दिन दहाड़े बैंक से लेकर के और चंपत हो गए, वो डाकू है सबके सब, उसकी कोई खोज खबर नहीं, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं, उसका कोई मैसेज नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी ने कहा अनपढ़ प्रधानमंत्री देश के लिए घातक है।